सो गाइस, फैमिली के साथ में गई थी शिमला और वहां से मुझे वहां के लोकल वेजिटेबल मिली है। इसको कहते हैं मीठे करेले। जैसे कड़वे करेले तो हमने सारों ने सुने हुए देखे हुए हैं, पर ये मीठे करेले है। और मीठे करेले में आप देख सकते हैं हल्के हल्के कांटे होते हैं। ये जो कांटे हैं, वहां की एक लोकल लेडी थी, उसको मैंने पूछा कि ये कैसे होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में या कड़वे होते हैं, इसको क्या नमक में डालते हैं। लेकिन उसने कहा कि भाई नहीं, इसको ऐसे ही काट के इसके कांटे निकाल दो, अंदर इसके काले बीज होंगे, उसको साफ करके इसको लंबे लंबे जैसे हम टिंडे काटते वैसे काट के इसको टमाटर प्याज लहसुन अदरक डाल के सब्जी बना सकते। तो हम देखते हैं जरा कैसे बनते हैं ये। तो मैं पहले तो हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो इसको पहले हम वॉश कर लेती हूँ मैं। अब हम इसके ना जो खुरदरे पार्ट है, जैसे कांटे जिसको बोला था वो लेडीज ने, वो कांटे हम इसको साफ कर लेते हैं। बस आसानी से बड़े कांटे निकल रहे हैं, ये कांटे हैं उसके, कोई ज्यादा ऐसे चुभने वाले कांटे नहीं, सॉफ्ट से कांटे एकदम। इसको मैंने कांटे निकालने के बाद ना वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब इसको कट करेंगे। लेकिन इस बीच में एक मजे की बात हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कटिंग करते टाइम ना बीच में कट लगा, तो ये सब्जी ऐसी राउंड सी हो गई है बीच में, और बाहर बीज दिख रहे हैं, ये दो बीज ऐसे हुए थे मेरे, ये राउंड हो जाती है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। इसको अब मैं लंबे टिंडे की तरह काटूंगी, जैसे वो लेडीज़ ने कहा था। अब इसमें से एक बीज का पार्ट निकला है, फूल की तरह बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके मैंने थोड़ा नीचे रख दिया, इसके बीज निकले हुए, ये काले से बीज निकले। तो उसने कहा था ये लेडीज़ ने ना, ये जो बीज है ना काफ़ी आयुर्वेदिक होते हैं, और ये है ना टॉन्सिल्स की बीमारी पे काफ़ी अच्छे होते हैं ये। इसका ना भूसा बना के पानी के साथ चूरन की तरह यूज़ होते हैं, तो ये टॉन्सिल, ये आयुर्वेदिक हो गई। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये सब्जी कटते ही ना राउंड हो जाती है, बहुत ही मज़े की सब्जी लग रही है मुझे। आइए हम सारी सब्जियां काट लेते हैं ऐसे एक एक करके, फिर मैं आपको एक और पीस दिखा देती हूँ जो मैं दोबारा एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये अच्छा वाला पीस। इसके मैंने आगे पीछे से थोड़ी डंठल काट ली है, काटते सार ये देखिए टेढ़ा हो गया। अब मैं इसको पीसेस में कट गए, ये अंदर से बड़ा प्यारा सा पीस निकला है, जैसे एक आधा ना फ्लावर होता है उजाले में, ये देखिए कितना क्यूट सा पीस लग रहा है। ये बीज है इसके, मीठे करेले के बीज है ये, आयुर्वेदिक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको आगे का दिखा देती हूँ। इसके ये इस तरीके से बीज निकाले जाते हैं। कटे हुए इसमें एक मिटका वाइट बीज आए, वो लेडीज़ ने कहा था अगर सफ़ेद बीज होना तो इसको फेंकना नहीं है, इसको इसके साथ ही कट कर देना है। तो ये मैंने वाइट बीज वाला इसमें एज इट इज़ डाल दिया। गाइस, ये मैंने पूरी ऐसी सब्जी काट ली है लंबे लंबे इसमें, और इसके जो तानी है वो ऐसे अलग निकाल दी है, जो हमको ज़रूरत नहीं है कचरे में जाने वाली है। और ये बीज जो औषधि गुण वाली है जो मैं अपने ब्रदर को देने वाली हूँ, क्योंकि उसको टॉन्सिल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं साइड में रख लेती हूँ। अब मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं, जैसे लहसुन हो गया 5-6 कलियाँ, 2 बड़े प्याज काट लिए, और लेडीज़ ने कहा था ये मीठा करेला है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 बड़ा टोमेटो कट कर लिया है, और थोड़ा सा धनिया ले लिया है मैंने गार्निशिंग के लिए, और जीरा है, जीरा ले रही हूँ, हल्दी, मिर्च और नमक का यूज़ करूँ। कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है गैस ऑन करके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, कढ़ाई गर्म हो रही है इसलिए ऑयल भी गर्म हो जाएगा साथ में। एकदम थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, अब तेल ऑयल गर्म होने की वेट करते हैं। तेल गर्म हो गया, यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, जो मैं अंदाजे से लेते हूँ हमेशा, और जीरा तड़क गया है, चटक गया है देख लूँ। फिर लहसुन डाल दिया है मैंने जो गर्म हो रहा है, लहसुन को काला नहीं करना है, उसमें से कच्चा पर निकालना है सिर्फ। मैंने डालेंगे प्याज, जो 2 बड़े बड़े कटे हुए प्याज है। हाँ, प्याज हो गए थोड़े से गोल्डन, उस
उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर, जो मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया था। टमाटर सॉफ्ट होने तक उसको करना है। और इसमें मैं एक चीज़ डालूंगी ताकि जल्दी प्रिपरेशन चालू हो। मैं ये छोटा चम्मच है मेरे पास, काफ़ी हल्दी से भरा हुआ है ये, मैं आधा चम्मच के बराबर है बड़े के टीस्पून के, लेकिन ये एक चम्मच मैं पूरा डालूंगी इसमें। और इसको कंटिन्यू हिलाते रहूँगी ताकि ये प्रिपरेशन जो इसकी होती है ना टोमेटो की गलने की, वो जल्दी शुरू हो जाती है। और इस बीच में एक और चीज़ करूँगी मैं, जो एक चम्मच नमक डालूँगी, 1 टीस्पून जिसको बोलते हैं हम। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, टमाटर गलने शुरू हो गए हल्के हल्के, तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च, जितना तीखा चाहिए मैं थोड़ा सा तीखा खाऊंगी। और कंटिन्यू इसको धीमी आँच, मीडियम आँच पे मैं हिला रही हूँ ताकि टोमेटो अच्छी तरह गल जाए और उसको अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैंने डालना है इसमें धनिया पाउडर, जो 1 चम्मच के करीब है, मैंने अंदाजे से डाल रहे थे कि मैं रेगुलर ऐसे ही डालती हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मसाला काफ़ी अच्छी तरह मिक्स होकर रेडी हो रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी ये पूरी कटी हुई सब्जी, जो मीठे करेले की। इसको अच्छी तरह मिक्स करके धीमी आंच करूंगी मैं ताकि मसाले जले नहीं। सब्जी यहाँ पर हल्की हल्की गलने लग पड़ी क्योंकि मैंने सिम पे कर दी है, मसाला जल रहा था मेरा। इसमें जो सफ़ेद वाले बीज होते हैं वो हमने इसी में डाल दिए, काले वाले बीज जो है वो लेडी ने बताया जिस तरीके से, मैंने निकाल के बाहर रख दिए हैं। जो आयुर्वेदिक होती है ये सब्ज़ी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहती है, और आयुर्वेदिक जो बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। इसमें विटामिन भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जो मैंने सर्च मारा तो मुझे इस सब्ज़ी की वैल्यू का पता चला। जो अगली बार मैं कभी शिमला गई तो पक्का इसको और लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ट्राई करने का। अगर टेस्टी लगी, ऑब्वियसली टेस्टी लगनी चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि वो पकने में उसको हेल्प हो जाए। ये पानी डाल दूंगी मैं उसके ऊपर, और कटा हुआ धनिया डाल के मैं इसको स्टीम में पकने के लिए रख दूंगी। थोड़ा बंद करने से पहले मैं एक बार इसका नमक चेक कर लेती हूँ, तो कैसी बनी है पता चलेगी। थोड़ा नमक कम आ गया है मेरे हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब ये सब्जी जो है इसको मैं ढक के रख दूँ सिम पे। सो 5 मिनट हो गए सिम पे करते हैं। वाओ, सब्जी का कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है और ऑयल छोड़ा हुआ है सब्जी ने, तो ये मैं पूरा देख लेती, चेक कर लेती। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, टिंडों की सब्जी की तरह आ रही, थोड़ा करेले मिक्स आ रहे हैं, आई थिंक ये हाइब्रिड ना हो, मुझे थोड़ा डाउट है। मैं नमक चेक कर लेती, नमक परफेक्ट है। अब सब्जी पकी कि नहीं वो चेक करना है हमने, तो मैं चम्मच से ही चेक कर लेती हूँ। सब्जी तो कट रही है, और हाथ देख लेती मैं एक बार, गर्म है। सब्जी पक चुकी है, बहुत प्यारी तरह पक चुकी है, और सब्जी का कलर भी बहुत प्यारा आया हुआ है। सो गाइस, इसको थोड़ा सा पानी में थोड़ा तेज़ करके पानी निकाल देती हूँ इसका, क्योंकि उसने कहा था ये सूखी सब्जी बन जाती है, तो हल्का हल्का इसमें जो पानी होगा वो निकल जाएगा, और परफेक्ट सब्जी बनी हुई है। पानी सूख गया, ठीक है, चलो अब इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ। सब्जी रेडी है, अब टेस्ट करके देखते हैं कैसे लगती है। तो कल मिर्चा की सब्जी बहुत टेस्टी बनी, मैं चाहूंगी आप लोग भी बनाइए और खाइए जरूर।